जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक जिसका नेम है होमोजेनियस फंक्शन। इससे पहले मैंने लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड पार्शियल डेरिवेटिव के जो टॉपिक है उस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उनके जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, ये उनके स्लाइड्स आप देख सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव पर भी अप्रॉक्स 9 to 10 क्वेश्चन के जो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। एंड ये जो होमोजेनियस फंक्शन हो गया एंड और भी जो आगे टॉपिक्स हैं इन सभी पे डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। बट ये जो एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था इसमें क्या है कि बेसिकली हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम कॉलेजेस के एग्जाम में, या फिर उसी पैटर्न पे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस एग्जाम में। सबसे पहले मैं एक बार होमोजेनियस फंक्शन का एक बेसिक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड आने वाले वीडियोस में और भी डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे होमोजेनियस फंक्शन के। एंड एक और इसका इसमें एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन जेड इज सेड टू बी होमोजेनियस ऑफ एक्स एंड वाई इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है होमोजीनियस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो इक्वेशन है वो एक से ज्यादा वेरिएबल कंटेन कर रहा है। तभी हमने क्या यहाँ पे किया, पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब कि जो इक्वेशन होता है वो एक से ज्यादा वेरिएबल में डिपेंडेंट होता है। जैसे पार्शियल डेरिवेटिव था एक्स एंड वाई पे, सेम चीज यहाँ पे है कि एक जेड फंक्शन है उसको होमोजीनियस ऑफ एक्स एंड वाई कब बोलेंगे। मीन्स एक फंक्शन है, सिमिलरली आप ऐसे समझिए एक फंक्शन है जेड, ये क्या है एक्स एंड वाई पे डिपेंडेंट है, मीन्स फंक्शन में एक्स एंड वाई कंटेन कर रहा है। हम इस जेड को होमोजीनियस कब बोलेंगे, जब हम इस इक्वेशन को जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है इसको जब हम एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई कॉमा एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके तब हम जेड को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे जो एन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर और डिग्री ऑफ फंक्शन। क्लियर है? आने वाले अभी एग्जांपल्स हम देखेंगे कैसे हम फंक्शन को इस फॉर्म में चेंज करते हैं y अपॉन x के फॉर्म में। मींस कि जब z इज इक्वल टू f x y फंक्शन होता है तो कैसे हम उसको x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन x में चेंज करते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल की हेल्प से। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, आप समझ लें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्म यूज है फंक्शन z। इस z की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, a और b और c और d और e, बस वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए जो वेरिएबल इस इक्वेशन में कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन में x और y कंटेन कर रहा है तो यहाँ पे फंक्शन x और y का नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं। इस वे में आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। अब जो डेफिनेशन है वो आपसे या तो जो इंटरनल टेस्ट होते हैं या फिर P2 के एग्जाम में भी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे एक तो ये डेफिनेशन हो गया, साथ में आप इसका एक एग्जाम्पल भी आपको याद कर ले आप, या फिर आप दिमाग में बैठा ले कोई छोटा सा एग्जाम्पल तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लूँ। एग्जाम्पल सिंपल सा होगा कि सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूँ z इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। ये है एक नॉर्मल z का इक्वेशन, हमें क्या करना है x की पावर एंड फंक्शन ऑफ y अपॉन x में चेंज करना है। इस वाले इक्वेशन को, इसको y अपॉन x में हम कब चेंज कर पाएंगे, जब हम इस z वाले इक्वेशन में क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, अब न्यूमरेटर में है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ से अगर हम इसको वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में बनाना है तो वाई अपॉन एक्स कैसे बन सकता है, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ पे वाई के नीचे एक्स आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे ऊपर से जो न्यूमरेटर पोर्शन है यहाँ पे, न्यूमरेटर पोर्शन क्या करेगा, अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। तो ऊपर तो y अपन x के फॉर्म बन गया, अब नीचे भी हमें y अपन x के फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर हम x को मान ले तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। यहाँ x से ये कट जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, देख सकते हैं गाइज ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो क्या है, मीन्स की n की वैल्यू 2 है, मीन्स की यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 हो गया। क्लियर है? ये एक था बेसिक सा एग्जांपल। अभी और भी आने वाले टाइम पे या आने वाले इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और भी कुछ एग्जांपल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं, इसमें एक और फार्मूला है वो हम देख लेते हैं एक बार, यूलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि इफ जेड बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑफ ऑर्डर एन,
अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन है और उसका ऑर्डर n है, जो कि अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया है, तो हम ये बोल सकते हैं देन x कर्ली z अपॉन कर्ली x प्लस y कर्ली z अपॉन कर्ली y इज इक्वल टू n z एंड एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे z विद रिस्पेक्ट टू x एंड z विद रिस्पेक्ट टू y सिंगल टाइम पार्शियल डिफरेंशिएटर है। इसमें एक और फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर, अगर सेम z होमोजीनियस है और कौन से फंक्शन का x को y फंक्शन का और ऑर्डर n है, तो हम बोल सकते हैं एक तो ये चीज और एक और फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस y स्क्वायर कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन जेड। आप इन दोनों फॉर्मूला को डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी अगर आप कोई बुक को फॉलो करते हैं वहाँ पे गिवन होगा, वहाँ से आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। मेरे एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाता है, बट एक बार आप फिर भी एक रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, अगर पूछ ले तो वहाँ से आप उन जो ये जो फॉर्मूला है इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे एक और टर्म था प्रीवियस स्लाइड में कि अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन है, मीन्स अगर जो जेड है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स कॉम वाई है, तो उस जेड को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स यहाँ पे जो ये था z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, अगर ये होमोजीनियस है तो अगर हम इसका फाइंड कर ले करली z अपॉन करली x एंड करली z अपॉन करली y, तो ये दोनों भी होमोजीनियस होगा। ये दोनों क्या होगा, ये दोनों भी होमोजीनियस होगा और इसका जो डिग्री होगा वो हो जाएगा n माइनस वन का, क्लियर है। जैसे अगर मेन इक्वेशन होमोजीनियस है और उसका डिग्री n है, तो उसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करें या फिर विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करें, वो भी होमोजीनियस होगा और उसका डिग्री हो जाएगा n माइनस वन का। अब इस पे एक दो हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं सो दैट कि आपको जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा डिटेल में क्लियर हो जाए। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या है, इज द फंक्शन x, y, z इज इक्वल टू 4x क्यूब + 2y स्क्वायर z / x + 2y + 3z होमोजीनियस। अगर ये है, इफ यस व्हाट इज द डिग्री, तो इसमें क्या है, पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस है तो उसका फिर हमें डिग्री फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर होमोजीनियस फाइंड करने अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो वहीं पे हमें सामने में डिग्री पता चल जाता है, जो कि हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था। बट यहाँ पे एक चीज क्या है कि हमने डिस्कस किया था कि एक जेड है इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, बट यहाँ पे क्या है, फंक्शन ही है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब कि अब ये जेड ये वाला इक्वेशन अब ट्रू नहीं होगा। तो अब क्या इक्वेशन बन सकता है, सपोज कोई एक वेरिएबल ले लिया ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्लियर। तो अब होमोजीनियस प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में। बट यहाँ पे क्या है, एक जेड भी आ गया, तो हमें अब क्या बनाना पड़ेगा, जो हमारा होमोजीनियस का फॉर्म होगा वो बनाना पड़ेगा हमें एक्स की पावर एन फंक्शन ऑफ वाई कॉमा एक्स, वाई अपॉन एक्स कॉमा जेड अपॉन एक्स, क्लियर है। तो हम इक्वेशन लेते हैं, हमारा है फंक्शन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर z अपॉन x प्लस 2y प्लस z। तो ऊपर से क्या करना पड़ेगा, हमें x क्यूब को कॉमन लेना पड़ेगा, तो x क्यूब आ गया बाहर, तो क्या बचा अंदर में 4, और यहाँ पे x क्यूब है तो ये अगर हम यहाँ से x क्यूब कॉमन लिया तो ये 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा प्लस 2y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू z अपॉन x, ये टर्म आ गया। अपॉन में अगर हम नीचे से एक्स को मान लें तो क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, तो क्या बचा फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर, और अंदर में क्या है फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स भी है और यहाँ पे जेड अपॉन एक्स भी है। तो यहाँ से जो ऑर्डर या फिर डिग्री हो गया वो क्या हो गया, डिग्री इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक्स की पावर जो एन होता है तो उसको डिग्री होता है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, क्लियर गाइस। सो आई होप कि आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये फर्स्ट वीडियो था होमोजीनियस फंक्शन का और यूलर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन का, तो इसमें मेरा ये मेन मोटिव ये था कि आपको एक बेसिक ओवरव्यू क्लियर हो जाए विथ सिंपल एग्जाम्पल। आने वाले कुछ वीडियोस में लाइक अभी होमोजीनियस फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सो मैं अप्रॉक्स इस पे भी 10 to 12 और उससे ज़्यादा भी अगर हो सके तो मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा आपके साथ आने वाले वीडियोस में। सो अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो या फिर जो प्रीवियस वीडियोस भी थे पार्शियल डेरिवेटिव के,
अगर उसमें लग रहा हो कि जो कंटेंट है वो यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को पहले तो लाइक कर दे आप, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सो दैट कि उनके पास वीडियोस टाइम टू टाइम पहुँचते रहे एंड वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह कर पाएँ। क्योंकि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये वाला जो पोर्शन होता है, ये बहुत से स्टूडेंट्स को टफ लगता है एंड वो एग्ज़ाम में प्रिपेयर नहीं कर पाते अच्छी तरह और फेल भी हो जाते हैं। सो अगर उन्हें ये वीडियोज़ टाइम से पहले मिल जाएगा तो वो भी सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज कर पाएंगे एंड एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा एंड एक नया फीचर आया है व्हाट्सअप चैनल का, वो भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। वहाँ पे कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको सजेशन चाहिए हो रिगार्डिंग, अगर आप प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि चैनल पर प्लेसमेंट रिलेटेड कॉन्टेंट भी बहुत सारा अपलोडेड है, तो उनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।